वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल मानस। आज का वीडियो रहेगा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम दोनों रहेगा। पहले हम लोग पावर डायग्राम समझेंगे, पावर डायग्राम के लिए क्या क्या लगेगा पावर सर्किट के लिए, वो भी लिस्ट बनाएंगे, और साइज के हिसाब से भी हम लोग कॉन्टेक्टर साइज और वायर साइज वो भी देंगे। उसके बाद रहेगा कंट्रोल सर्किट में भी क्या क्या लगेगा वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। जो बड़ा साइज मोटर, मतलब जो 18.5 22 इसके ऊपर वाला स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज़ करेंगे। छोटा वाला मोटर में हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज़ नहीं करेंगे। और बड़ा वाला स्टार्टर में क्यों करेंगे पहले वो समझेंगे। क्यों करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करंट को कम करना है, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। तो पहले हम लोग को करंट को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो करंट को कम करना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि मोटर में हम लोग वाइब्रेशन होगा। पहले स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहेगा तो कोई भी लोड अगर कनेक्टेड रहेगा तो लोड में जार्किंग होगा, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग करंट को कम करेंगे। स्टार्टिंग करंट कितना कम होगा, मान लो डॉल स्टार्टर में जो करंट लेगा आई, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट होगा IST I/3 3 times कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, टॉर्क भी कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका पावर सर्किट क्या क्या लगेगा इसमें पावर सर्किट बनाने के लिए। पावर सर्किट इसमें लगेगा फर्स्ट कॉन्टेक्टर के लिए, ए के लिए मेन कॉन्टेक्टर, बी डेल्टा कॉन्टेक्टर, सी स्टार कॉन्टेक्टर, दो रहेगा MCCB, तीन में रहेगा ओवरलोड रिले। रेंज के हिसाब से हम लोग फेज करंट के हिसाब से हम लोग ओएलआर सिलेक्ट करेंगे। मान लो 30 किलोवाट का मोटर है, इसका फुल लोड करंट फेज करंट कितना होगा, फेज करंट होगा 30 एम्प्स। जितना KW होता है उतना इसका फुल लोड करंट होता है, फेज करंट होता है। इसके हिसाब से हम लोग ओवरलोड सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद थ्री, इसका पावर केबल लगेगा, पावर केबल मोटर के हिसाब से लेंगे। 30 किलोवाट का मोटर रहेगा, इसका 30 एम्प्स करंट रहेगा। 30 एम्प्स के लिए हम लोग 25 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम केबल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रहेगा हमारा 4 नंबर पे टाइमर की यूज़ करेंगे। पहले मोटर हमारा स्टार में स्टार्ट होगा, उसके थोड़े सेकेंड बाद, मतलब 7 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड जहाँ पे जैसा लगेगा वो टाइमर में हम लोग सेट कर देंगे। वो टाइम के बाद वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। चलिए इसका डायग्राम हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग पावर सर्किट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, तीनों फेज रहेगा लाइन लेंगे RYB। यहाँ से उठाएंगे, एक एक फेज हम लोग उठाएंगे, यहाँ से कहाँ पे आएगा, एक सर्किट ब्रेकर देंगे, क्योंकि फीडर को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग एक सर्किट ब्रेकर देंगे। क्या देंगे, MCCB देंगे। बड़ा वाला मोटर में हम लोग ज़्यादातर MCCB यूज़ करेंगे, अच्छा प्रोटेक्शन है इसका। तो एक MCCB हम लोग यूज़ करेंगे, MCCB। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, इसके बाद जाएगा हमारा मेन कॉन्टेक्टर,
ये है ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर। मेन कॉन्टैक्टर से कहा जाएगा ये जाएगा मोटर में और इधर से हम लोग और एक ड्रॉ करेंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर। और एक स्टार कॉन्टैक्टर। स्टार कॉन्टर मतलब ये साइड शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्टिंग प्लेट रहेगा कॉन्टैक्टर के ऊपर में, हम लोग ये तीनों फेज को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ से जो आएगा ये भी मोटर में जाएगा क्योंकि स्टार डेल्टा कॉन्टैक्ट स्टार्टर में हम लोग मोटर में जो छेटो लीड होता है तीन कॉयल का टोटल 6 टर्मिनल रहेगा, टर्मिनल बॉक्स में ऐसे रहेगा। ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स 6 टर्मिनल बॉक्स रहेगा, U1, V1, W1 इसमें रहता है, W2, U2, V2, ठीक है, ऐसे रहेगा। अभी यहाँ पे हमारा एक एक फेज उठाएंगे, R, ये R है, ये वाई है और ये बी है, आर वाई बी, ये आर वाई बी। यहाँ से भी हम लोग इसको आर दे देंगे, वाई देंगे और बी देंगे। यहाँ पे एक मोटर रहेगा हमारा, 3 फेज मोटर, एसी मोटर रहेगा। यहाँ से हमारा आएगा ये तीनों लीड इसमें जाएगा, ये आएगा और ये आएगा। देखिए ये मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये स्टार है, तीनों आया। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों का एक ओवर लोड रहेगा, ओवर लोड OLR, ये ओवर लोड है। ये ओवर लोड हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, ये जो फेज करंट में लगाएंगे, अगर लाइन करंट में भी हम लोग लगा सकते हैं ऊपर में, AMCCB के बाद हम लोग ओवर लोड लगा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रेंज का लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइन करंट के हिसाब से लाइन करंट जो होगा 30 kW का लाइन करंट कितना होगा, कम से कम 58-57 होगा, तो इस ज़्यादा रेंज का ओवरलोड लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉस्टली है, कॉस्टली रहेगा, तो हमारा फेज में लगाएंगे तो क्या हो, इसका 30 kW का फेज करंट 30 amps, नियर अबाउट 30 amps रहेगा, तो 30 amps के हिसाब से हम लोग OLR लगाएंगे क्योंकि कम पैसा में हमारा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ये फेज में लगाएंगे, समझे। अभी क्या रहेगा, ये R है, ये Y है, ये B है, ये हम लोगों का थोड़ा पहले हम लोग R देंगे, R, इसके बाद Y, इसके बाद B, R Y B, इधर से भी R Y B। तो OLR रहेगा ओवरलोड ट्रिप के लिए करंट सेट करने, 30 amps इसका फेज करंट है, हम लोग इसका 80% में सेट कर देंगे, 13.8 80% में सेट कर देंगे OLR में। तो अभी पहले क्या होगा, पहले जैसे हमें स्विच ऑन होगा, पहले ये मेन कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर एक साथ पिकअप होगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कॉयल है, यहाँ पे कॉयल है, एक कॉयल में हम लोग सावला देते हैं,
मेन कॉन्टैक्टर से ROI भी मिल जाएगा कॉयल के एक तरफ, और दूसरा तरफ जो जाएगा फर्स्ट ये पिकअप होगा, ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये पिकअप रहेगा और ये पिकअप रहेगा। सप्लाई यहाँ से आएगा, इधर से सीधा जाएगा, ये फेज लेके ये कॉन्टैक्टर में जाएगा और वाई जाएगा सीधा इधर से, क्योंकि ये बंद है, पावर यहाँ तक जाएगा, वापस बैक करके इधर आएगा क्योंकि ये बंद है हमारा अभी, तो इधर जाएगा। और ये हमारा पहले से शॉर्ट है, प्लेट देखे शॉर्ट करके रखे, स्टार बन गया। कैसे कैसे होगा, जैसे ये तीन कॉयल है, हम लोग यहाँ पे ROI दे दिया, और ये शॉर्टिंग कॉन्टैक्टर के थ्रू क्या होगा, ये वाला लीड हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या रहेगा, ये माने यू कॉयल है, ये भी, ये W, तो स्टार हो गया, तो स्टार बन गया। तो स्टार बनने के बाद क्या, स्टार में चलेगा टाइमर, हम लोग टाइमर ले लेंगे, टाइमर में टाइम सेट कर देंगे, मान लीजिए 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप लेगा, तब हमारा ये डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा कैसे बनेगा, डेल्टा देखिए, ये हमारा डेल्टा बन जाएगा। मान लीजिए इधर वाला U1, ये साइड वाला U1, V1, W1, और ये जो साइड रहेगा इधर साइड हमारा क्या रहेगा, W2, U2, V2। तो E1, V1, W1 हम लोग यहाँ से सप्लाई जाएगा, और ये क्या करेगा, कॉयल को डेल्टा फॉर्म करेगा। डेल्टा फॉर्म कैसे करेगा, दे ये R के साथ, ये R शॉर्ट होगा क्योंकि E1 के साथ W2, देखिए ये U1, ये U2, ये V1, ये V2, ये W1, W2, क्या क्या शॉर्ट हो, U1 और W2। ये भी देखिए, ये R जा रहा है, इधर से भी R है, R किस में जा रहा है, U1 में और W2 में, देखिए E1 W2 शॉर्ट है। V1 जा रहे हैं वाई फेज, इधर वाई फेज का जा रहा है U2 में, V1 और U2 शॉर्ट है, शॉर्ट हो जाएगा जैसे हमारा ये दोनों कॉन्टैक्ट पिकअप लेगा। इसके बाद देखिए W1 और V2, V2 और W1 एक जगह पे शॉर्ट है, मतलब ये डेल्टा बन जाएगा। यही है इसका पावर डायग्राम है, और ज़्यादा कुछ नहीं है।